दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 11,000 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई और इस तरह से दंतेवाड़ा की डेनिक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई थी। डेनिक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से यह कार्य कर लिया। जब मुख्यमंत्री अपने हाथों से चुनरी अर्पित करने पहुंचे तो पूरे दंतेवाड़ा शहर में उत्सव का माहौल था। पूरा शहर इस सुंदर दृश्य को देखने उमड़ आया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मावली माता और भैरव जी के दर्शन भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें माई दंतेश्वरी का निरंतर आशीर्वाद और उनकी छत्रछाया मिल रही है। आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में होने वाले यूनिक काम, जो हटके काम होते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल पहले कभी ना हुए हो, ऐसे काम को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करती है। आज तक दंतेवाड़ा का नाम केवल इंडिया में ही जाना जाता था, पर अब ये नाम रायपुर और छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाए। आज 11 किलोमीटर लंबी एक चुनरी होती है, आधा मीटर की, एक 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई गई जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, ना है ऐसा आसानी से हो सकता है। इसके पहले रिकॉर्ड एक्चुअली में था, नर्मदा नदी के नाम पे चढ़ाया गया था मंदसौर में, वो 8 किलोमीटर लंबा था, तो इसको उसको ब्रेक किया है, यह 11 किलोमीटर लंबा। थैंक यू।